नमस्कार, कृषि जागरण एग्री मार्केट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखेड़। कमोडिटी न्यूज की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आपदा प्रबंधन बैठक में ये निर्णय लिया गया कि नीमच मंडी में रात 8 बजे से बाजार बंद रहेंगे। मलेशिया में पाम तेल में कुछ दिनों से मंडी के भाव में गिरावट देखने को मिली। हालांकि मार्च महीने के उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिली, तो वहीं ऊंचे दाम की मांग में गिरावट देखने को मिली और इसी के साथ सीबोर्ड सोया तेल और चीन के बाजार में भी पाम तेल में गिरावट देखने को मिली। जानकारों का मानना है कि मार्च और अप्रैल के अंत तक पाम तेल की मांग कमजोर रहेगी। उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी और मांग में गिरावट से पाम तेल में गिरावट और बढ़ सकती है। मलेशिया में पाम तेल में कमजोरी से घरेलू बाजार में CPO आज कमजोर नजर आया। हाजिर में पाम तेल की कीमतों में आज 1 रुपए प्रति लीटर की गिरावट देखने को मिली, तो वहीं CPO में मार्च का वायदा 18 अंकों की गिरावट के साथ देखने को मिला। इसी के साथ मार्च का वायदा 1100 के नीचे बंद होने पर 1075 तक गिर सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में चना का 660 से 670 टन डिलीवरी भाव देखने को मिला। दिसंबर 2020 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से 37,759 टन चना खरीदा, जो अप्रैल 2018 के बाद अब तक का सबसे बड़ा आयात रहा। पाकिस्तान ने फरवरी साल 2021 में करीब 25,000 टन चना कंटेनर द्वारा निर्मित किया, तो वहीं बांग्लादेश को भी चना का अच्छा निर्यात मिला। आपको बता दें कि रमजान से पहले दोनों देश अच्छी मात्रा में चना की खरीद करने में जुटे हुए हैं। फाबा बीन्स का 350 टन डिलीवरी भाव देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया में मसूर का 670 से 680 टन डिलीवरी भाव देखने को मिला और इसके साथ कई जगह पर 700 टन के भाव बोले गए, तो वहीं जून जुलाई और अगस्त तक के सौदे भी किए गए। ऑस्ट्रेलिया में अफवाह है कि भारत जल्द ही मसूर आयात शुल्क में कटौती करेगा। इसके साथ निप्पर और नगेट टाइप वैरायटी के भाव 700 टन बोले गए। ऑस्ट्रेलिया में मूंग का भाव 1300 टन, प्रोसेसिंग 1200 टन और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी 1100 टन देखने को मिली। वहीं क्वींसलैंड में मूंग की कटाई शुरू हो चुकी है और अन्य हिस्सों में अच्छी बारिश की वजह से बिजाई की भी शुरुआत हो चुकी है। जोधपुर में आज चना की आवक 1000 से 1200 बोरी रही, मोट की आवक 200 बोरी रही, मुगर की आवक 9700 बोरी रही और मूंग की आवक 200 से 250 बोरी रही। अगर बात करें भाव की तो चना 4550 से 4600 रुपए रहा, मोट 5600 से 6600 रुपए रहा, मुगर 9700 से 9800 रुपए रहा और मूंग 6000 से 7000 रुपए रहा। एग्रीकल्चर स्टॉक मार्केट का हाल, जिनमें कृषि क्षेत्र की इन कंपनीज में हुई बढ़ोतरी। बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नाथ बायो जेनेस लिमिटेड, धनश्री टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इन कंपनीज को हुआ नुकसान। जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड, कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड, हैरिसन्स मलयालम लिमिटेड, पेस्टिसाइड एंड एग्रोकेमिकल की इन कंपनीज में हुई बढ़ोतरी। बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड, PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इन कंपनीज को हुआ नुकसान। भारत रसायन लिमिटेड, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, किलपेस्ट इंडिया लिमिटेड। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।